ये कहकर कि आप ना इस तरफ न्यू मार्केट की तरफ उसका फेस नहीं करेंगे, मंच का आप मंच का फेस माता मंदिर की तरफ करेंगे। इस बात पर धन्यवाद हुआ हमारे सभी कांग्रेस के साथियों ने इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया। मैं स्वयं वहां पहुंचा, मैंने कहा कि यदि ज्यादा आप लोग हम लोग के ऊपर दबाव बनाएंगे इस तरीके का तो फिर रोशन परेड भी अपनी सभा करेंगे और आप में कम हुआ आप में ताकत हो तो आप लोगों को रोककर मिलता। अल्टीमेटली रात को 1 बजे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर कलेक्टर पहुंचे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंचे आदरणीय भूरिया जी, उसके बाद में तय हुआ कि मंच वहीं पर पड़ता है, अब वो तिरछा बनेगा जिसमें तीनों तरफ से आने वाले लोगों को वहां पर आसानी से मिलने का मौका मिल सके, देखने का मौका मिल सके, वो भारी गाड़ी करने का मौका। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट के बाजू में बिल्कुल जो बार पर वहां पर लेकिन हमें ऐसे जो लगातार सूचना मिल रही है बहुत ही गंभीर मामला है कि विदिशा रायसेन होशंगाबाद रोड पर हर जगह इन्होंने बैरिकेड लगा और आज से ही तलाशी शुरू कर दी है। तलाशी करें उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है उनकी भावनाएं ठीक नहीं है। कल रात को बात जब अध्यक्ष महोदय से हो गई थी कि हम कहीं पर किसी भी गाड़ी को नहीं रोकेंगे, दशहरा मैदान टीटी नगर तक गाड़ियां आएंगी, इंदौर से आने वाली गाड़ियां राती भर से आएंगी दशहरा मैदान टीटी नगर पर खड़ी होंगी और वहां से लोग वहां पर रैली में शामिल होंगे। होशंगाबाद से आने वाले लोग लिंक रोड नंबर 1 या 2 से आकर माता मंदिर से होते हुए रैली में शामिल हो जाएंगे। इसी तरीके से बैरसिया से और विदिशा से आने वाले लोग बस स्टैंड खादरा बस स्टैंड से पूरी जाके होते हुए इधर आएंगे और साथ में जाएंगे और रास्ते में उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था की है अंदर शहर के अंदर आने के बाद। लेकिन अचानक पुलिस का रवैया फिर बदल गया और उन्होंने इतनी शक्ति करना शुरू कर दी कि आज ये हालत है तो पता नहीं कल क्या करेंगे। हर जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं, ऐसा लगता है कार्यकर्ताओं को जिले से ही नहीं आने दिया। यदि पुलिस का यही रवैया रहा